गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत धमाकेदार लेके आया हूँ आपके लिए और कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों के ऊपर। वो चीज़ें हैं क्या? देखिए, हम सब ज़्यादातर लोग जो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं या तो कैंडल स्टिक पे कर रहे हैं या इंडिकेटर्स बेस कर रहे हैं। और जैसे कि इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ, लगाते हैं, मान लीजिए हमने MACD इंडिकेटर लगाया, ठीक है, बहुत कॉमन एक इंडिकेटर है MACD। अब MACD लगाया, MACD के अंदर हम क्या ढूंढते हैं? कई लोग डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है दोस्तों, पहले उसको समझना जरूरी। डाइवर्जेंस का मतलब है कि आपका प्राइस जो है, मान लीजिए प्राइस जो है आपका एक नया हाई बना रहा है, ठीक है, प्राइस जो है आपका एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूं, ठीक है, प्राइस आपका हाई एक बना रहा है, लेकिन उसी टाइम अगर आपका MACD हाई ना बनाते हुए लो बनाने लगे तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस को देखिए पहले समझना जरूरी, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। बुलिश का मतलब है कि नीचे की तरफ में इस तरह से आपका डाइवर्जेंस बना कि प्राइस आपका एक नया लो बनाए, लेकिन जो MACD है वो नया एक हाई बनाए, तो हम बुलिश की तरफ जब ट्रेड कर रहे हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। और एक हो गया बेरिश डाइवर्जेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एक बेरिश डाइवर्जेंस आपको बन रहा है, प्राइस आपका जा रहा है हाई की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ, देखिए प्राइस जा रहा है मेरा ऊपर हाई की तरफ, और लेकिन मेरा अगर मैं बात करूँ MACD की तो प्राइस MACD मेरा जा रहा है डाउन की तरफ, तो ये आपका कहलाता है बेरिश। और नीचे से जो आपका डाइवर्जेंस मिलता है उसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों हमने देखा है कि MACD हो, RSI हो, स्टॉचिस्टिक हो, इन सब में हमें बहुत से फेल्ड डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। फेल्ड का मतलब है कि आप डाइवर्जेंस देख के ट्रेड तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है, मैक्सिमम चांस आपके लॉस के ही रहते हैं। अब इस चीज़ से आप कैसे कहा जाए कि परे पाएंगे या इस चीज से कैसे आप उबर पाएंगे जहां आपको लॉस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसमें भी हम डाइवर्जेंस ही प्ले करेंगे, लेकिन वो डाइवर्जेंस कुछ रूल बेस्ड होगा। और अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे मेरे साथ में बताए हुए तरीके से, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। हर एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कैसे ट्रेड करना है चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर लर्न विद के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ट्रेडिंग विद की एक से एक बढ़ के स्ट्रेटजी, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, उसके अलावा बहुत सी स्ट्रेटजी ऐसी जो कि आपको हमेशा राइट साइड में रखेगी मार्केट में और आपको हेल्प करेगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स के अंदर और आपको यहाँ पे लिखना है WPR। जब WPR आप लिखेंगे और साथ में आप लिखेंगे स्कैल्पर, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आएंगे। उसमें से पहला जो ऑप्शन है विलियमसन आर स्कैल्पर फॉर गोल्ड। दोस्तों घबराइएगा नहीं, गोल्ड के लिए नहीं हम ट्रेड करेंगे, हम हर एक जगह इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, बट इसके कुछ नियम होंगे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक इस तरह का इंडिकेटर आपके सामने प्लॉट हो के आ जाएगा। आपको इसकी सेटिंग के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आपको जाना है इसकी सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको इसको कर देना है अनचेक। और इसके अलावा आप यहाँ पे जाएं सेटिंग के अंदर, इसको हम थोड़ा सा और बोल्ड कर देंगे जिससे हमें सही से नजर आए, और ओके कर देंगे। दोस्तों हमारा ट्रेडिंग सिस्टम तैयार है ट्रेड करने के लिए। अब आपको ट्रेड कैसे करना है चलिए मैं उसमें आपको बताता हूँ। अब आप उसको किसी भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, हमें जब सेल ट्रेड लेना है, सेल ट्रेड पे हमें हमेशा देखना है कि हमारा जो विलियमसन आर है वो हमारा ये जी लाइन है यानी -10 के ऊपर होना चाहिए, और जब हम बाय करने जाएंगे तो ये हमेशा आपका -90 से ऊपर की तरफ आना जरूरी है। और डाइवर्जेंस हमें प्ले करना है दोस्तों, विदाउट डाइवर्जेंस हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी। और हमें ध्यान देना है कि जब विलियमसन आर ने जब नया हाई बनाया हो तो वो एक नुकीला टाइप का हो, शार्प पर आया हो, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा और इसे फ्लैट सा बना दे, फ्लैट हमें नहीं चाहिए, हमें नुकीला या शार्प हमें चाहिए। जब भी वो शार्प बनाएगा तो हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है।
जैसे कि हम देखें इस दिन शार्प से मेरा क्या मतलब है, शार्प से देखिए क्या मतलब, देखिए यहाँ पे आया इस शार्प इसने बनाया, और जब शार्प बना रहा है तो अभी हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, इस वाली ट्रेड को हम नहीं लेंगे। लेकिन इसके अगला शार्प आप देखिए, इसने शार्प बनाया, ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से एक एक नियम को समझेंगे आप तभी आप यहाँ प्रॉफिट बना पाएंगे। देखिए इसने आया विलियमसन आर, यहाँ से नीचे आया, इसने बिल्कुल शार्प एक कह सकते हैं कि मूव बनाया, ऊपर की तरफ गया। अब देखिए, अब जब ये शार्प बनाया तब इसका लो कितना था, इसका लो था 39,993। जब इसकी अगली कैंडल बनी, इसने इससे नीचे का लो मारा 39,446, यानी कि यहाँ हमको डाइवर्जेंस मिल गया। यानी आप यहाँ अगर आप देखें तो ये लो और ये लो में अंतर है, ये तो और नीचे लो बन रहा है, लेकिन उसी टाइम अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने आपको दूसरा एक हाई बना दिया। तो ये डाइवर्जेंस हमें पकड़ना है दोस्तों, अगर ये डाइवर्जेंस आपने पकड़ने में कामयाब हो गए, जिस भी कैंडल की अगली कैंडल पे शार्प मूव के बाद बड़ा मूव एक आ रहा है, इस कैंडल के हाई पे आप बाय करेंगे, इट मीन्स कि आपको बाय करना है यहाँ पे इस कैंडल की हाई पे, स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ, और उसके बाद आपको इस ट्रेड के अंदर बैठे रहना है कॉल साइड को लेके, या आप फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मूव आपको यहाँ पे मिला, यानी इतनी बेहतरीन तरीके से आपने शॉर्ट मूव को पकड़ा। आप मान लीजिए इस ट्रेड को आप चूक गए, आप नहीं कर पाए, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला वेट कीजिए शार्प मूव का। देखिए फिर से शार्प मूव आया इसकी अगली कैंडल ने, फिर वैसा ही बनाया, ये देखिए यहाँ नहीं बना, यहाँ बना, इससे नीचे आया, शार्प मूव के बाद बना, इस कैंडल के हाई पे बाय कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए और बेहतरीन मूव को कैच कीजिए। आप देखेंगे कि जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा ज़्यादातर, यानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा हो या बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा हो, आपको इस तरह के शार्प मूव मिलेंगे, और उसी शार्प मूव पे हमें एंट्री करना है और प्रॉफिट बनाना है। मैं और भी एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ। कल देखिए हमें कोई ऐसा शार्प मूव मिलता हुआ नज़र नहीं आया, यहाँ पे शार्प मूव मिला, नेक्स्ट कैंडल पे गया, लेकिन इस नेक्स्ट कैंडल ने इसकी लो के नीचे जब जाएगा तो हमें सेल करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम सेल करते हैं नेक्स्ट कैंडल के, यहाँ शार्प मूव आया, इस कैंडल की लो पे जब नीचे जाके सेल करना है आपको, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, हो सकता है स्टॉप लॉस भी कई बार हिट हो, लेकिन जब भी शार्प मूव आएगा आपको देखना है कि आपको वहाँ पे मिला या नहीं मिला। देखिए कल की देखिए ये लो देखिए और ये लो देखिए, यहाँ आपको साफ साफ नजर आ रहा है भाई हमारा जो है क्या बन रहा है, एक लो बना रहा है शार्प, और उसी समय यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, आपके सामने ऐसा कुछ देखिए बनाया, इसके हाई पे बाय करेंगे, यहाँ पे आप रखिए अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके हाई पे बाय कीजिए, और अपना आप रखेंगे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, यहाँ बाय कीजिए और प्रॉफिट बनाइए। दिख रहा है आपको, जब भी शार्प मूव आ रहे हैं आपको पैसा बनेगा। ये मैंने एक दिन का एग्जाम्पल बताया, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, मैं और भी एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जो भी शार्प मूव समझ में आ रहा है उसको कैच कीजिए। देखिए ये शार्प मूव बना, इसके अगली कैंडल ने लो बनाया, इसकी कैंडल पे हाई पे बाय कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। ये शार्प मूव बना, नया कैंडल ने हाई नहीं बनाया, यहाँ पे हमें नहीं मिला डाइवर्जेंस, हम ट्रेड नहीं करेंगे, शार्प मूव कैच कीजिए। देखिए शार्प मूव बना, अगली कैंडल ने हाई बनाया, इस कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। देखिए गिरा कि नहीं गिरा, मतलब आप सेल साइड में भी जा सकते हैं, केवल शार्प मूव पकड़ने हैं आपको। देखिए ये शार्प मूव बन रहा है, अगली कैंडल ने हाई बनाया, देखिए दोनों का हाई में हाई, देखिए यहाँ 39,929 और यहाँ हाई आ रहा 39,926, यानी हाई नहीं बना, गिरा उसके बाद भी, लेकिन ये हम नहीं कैच करेंगे। हम देखना है, हमें डाइवर्जेंस बनना हमारा बहुत ज़रूरी है, जहाँ शार्प मूव बने केवल वहाँ पे डाइवर्जेंस ढूंढिए, और आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होता नजर आएगा। देखिए ये शार्प मूव आया, डाइवर्जेंस बना, इस कैंडल के ऊपर आप बाय करेंगे, प्रॉफिट कैच करेंगे। कितना बड़ा मूव आएगा दैट इज डिफरेंट थिंग, केवल शार्प मूव हमको देखिए। देखिए शार्प मूव बना, इसका शार्प पकड़ना है आपको, ये वाला जो शार्प बन रहा है नीचे इसको देखिए, ये शार्प बनाया, अगली कैंडल ने लो मारा, इसके आप हाई पे बाय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। ये शार्प बना, इसकी अगली कैंडल ने लो मारा, यहाँ पे बाय कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। कितने एग्जाम्पल दो दोस्तों, भरा पड़ा एग्जाम्पल,
ये लो बनाया, शार्प मूव आया यहां से, इसकी यहां पे बाय कीजिए या इस कैंडल के ऊपर बाय कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। केवल शार्प मूव का वेट करना है। ये शार्प मूव आया, नए कैंडल ने लो बनाया, ये देखिए ये हमारा डाइवर्जेंस मिल रहा है, यहां से बाय कीजिए, इतनी बड़ी रैली को कैच कीजिए, ठीक है। ये शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो बनाया, देख लीजिए दूसरा लो बन रहा है, यहाँ हमारा लो बन रहा है 47 का और यहाँ हमारा लो बन रहा है 42 का, इसके ऊपर बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस और देखिए इतनी बड़ी रैली आप कैच कर सकते हैं। यानी हमें वेट करना है शार्प मूव्स का, केवल दोस्तों केवल शार्प मूव्स आने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि क्या सर ये क्यों निफ्टी में काम करता है? नहीं दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सब पे काम करेगा। मैं आपको क्रूड ऑयल पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्रूड ऑयल पे लगा के दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल फ्यूचर मैंने लिया, यहाँ क्लिक किया, 3 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जब भी शार्प मूव आए आपको वही देखना है। देखिए शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने हाई मारा, अगली कैंडल ने हाई मारा और जैसी कैंडल लो तोड़ी धड़ से नीचे, ये शार्प मूव आया दिख रहा है आपको, अगली कैंडल ने इससे लो बनाया, यहाँ बाय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। देखते जाइए जहां शार्प मूव आए आप मुझे बताइए कहाँ शार्प मूव आ रहा है। केवल शार्प मूव्स ही हमें पकड़ने हैं, बाकी हमें एंट्री लेनी ही नहीं है। जहां एकदम से शार्प मूव आ रहा, देखिए शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो मारा, यहाँ बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा और प्रॉफिट बनेगा। केवल शार्प मूव्स, ये देखिए शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो मारा, यहाँ बाय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। क्या गोल्ड सिल्वर में हो रहा है? चलिए गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं, सिल्वर लगा लेते हैं एक बार। सिल्वर फ्यूचर लगाया, 3 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट कल आया है नहीं आया है। जो कुछ है आपके सामने है, मुझे शार्प मूव मिलेगा केवल मैं उसे ही कैच करूंगा। ये शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो नहीं मारा, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। ये शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो मारा, छोटा सा स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ शार्प मूव बन रहे हैं मेरे, और जैसे ही शार्प मूव वाली कैंडल के ऊपर हाई बनाया धड़ से ऊपर, यहाँ देखिए शार्प मूव बना, अब इस कैंडल के ऊपर आप बाय कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। कितना पॉइंट चलेगा वी डोंट नो, बट चलेगा, पैसा देगा, बिल्कुल देगा। ये देखिए शार्प मूव बना, इसकी अगली कैंडल ने हाई नहीं मारा, हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो मारे हैं, इनके ऊपर बाय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने लो मारा, बाय कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। स्कैल्पर्स के लिए इससे अच्छा इंडिकेटर नहीं है, इससे अच्छा सिस्टम नहीं है दोस्तों। आप खुद देख लीजिए, ये लो मारा, अगली कैंडल ने और लो बना दिया, इसके ने हमको स्कैल्पर ने यानी विलेंसर स्कैल्पर ने हमें दे दिया यहाँ पे बाय, इसके ऊपर बाय कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। जितने भी शार्प मूव्स हैं ये देखिए, बड़ी बड़ी रैलीज भी इसको कैच कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको बस देखना है कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे शार्प मूव बनना जरूरी है। जब शार्प मूव आएंगे आपको प्रॉफिट बनता दिखेगा, 100% बनता दिखेगा दोस्तों। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस देख लेते हैं क्या इसके अंदर शार्प मूव आए हैं नहीं आए हैं, अगर आए होंगे पक्का प्रॉफिट बना होगा। देखिए शार्प मूव्स को कैच कीजिए, ये शार्प मूव आया, ठीक है, अगली कैंडल ने इससे नीचे लो मारा और यहां से देखिए, ठीक है। आपको केवल शार्प मूव्स पकड़ने हैं और कुछ नहीं पकड़ना, आपको केवल शार्प मूव्स पकड़ने हैं। ये देखिए शार्प मूव आया, अगली कैंडल ने हमें यहाँ पे दे दिया डाइवर्जेंस क्योंकि और लो मारा और यहाँ छोटे से बाय के साथ में हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा भाग रहा है स्टॉक, इसके अंदर अगर आपको एंट्रीज लेनी हो, प्रॉफिट बनानी हो, कैसे बनाएंगे ये देखिए। शार्प मूव आया, छोटा सा स्टॉप लॉस और आपको बड़ा मूव कैच करने को मिला। ये देखिए शार्प मूव आया, यहाँ नीचे गया, यहाँ बाय किया, बड़ा मूव आपने कैच किया। हर रोज हो रहा है दोस्तों, बार बार हो रहा है, हर एक चीज के अंदर शार्प मूव आया, देखिए शार्प मूव, लो बनाया, यहाँ बाय किया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया। कहाँ बाय कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं 3425, स्टॉप लॉस 3425 से कहाँ चला गया? सीधे 57, 25 पॉइंट मिल रहा है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट, 1:4, और क्या चाहिए आपको दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया इंडिकेटर या नहीं समझ में आया, और मुझे बताइएगा कि आपने इस पैसा बनाया नहीं बनाया।
मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिस पे मैं लगातार आपको टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यूज़ देता हूँ फ्री में। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एलिस ग्रुप में फ्री में अकाउंट ओपन होगा, लिंक नीचे दी गई है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में कोई इशू है आप मुझे बताइए, इससे पहले के भी जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, वहाँ भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से उस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं एंड मैं तुरंत आंसर करता हूँ आप सबको। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए लाइफ चेंजिंग होगा, जो लोग स्कैल्पर हैं उनके लिए तो वरदान साबित होने वाला है। यूज कीजिए, पैसे बनाइए और लर्न विद के चैनल के साथ इसी तरह। चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।